दिल्ली में एक चमत्कार हुआ था। दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई। पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी। हम लोगों ने मेहनत करके 2-3 साल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया और दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आने लगी। अब कोई छोटी मोटी इधर उधर लोकल फॉल्ट की वजह से बिजली चली जाए तो चली जाए, नहीं तो अमूमन दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली हर जगह आती है। और दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। हमने भ्रष्टाचार ख़त्म करके जो पैसे की लीकेज थी उसको रोक के खूब सरकारी पैसा बचाया और उस सरकारी पैसे से दिल्ली के लोगों को हमने सुविधा दी कि दिल्ली के लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। ये केवल और केवल एक कट्टर ईमानदार सरकार की वजह से हुआ। दिल्ली में टोटल 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, 58 लैक्स। उसमें से 47 लाख कंज्यूमर्स को सब्सिडी मिलती है दिल्ली की। जो इसमें से 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनको जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं। 58 लाख टोटल कंज्यूमर्स है, 47 लाख को टोटल सब्सिडी मिलती है। उन 47 लाख में से 30 लाख ऐसे हैं जिनके जीरो बिजली के बिल आते हैं और 16-17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके आधे आते हैं। आप लोग जानते हैं भाई, 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली है और 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट है। तो 16-17 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके आधे बिजली के बिल आते हैं और 30 लाख ऐसे हैं जिनके फ्री बिजली मिल जीरो बिजली के बिल आते हैं। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है? ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी, जिन जिन लोगों सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के आप अपने डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर जहाँ पे आप बिजली के बिल जमा कराने जाते हो, वहीं पे आप वो फॉर्म भर के वहाँ जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक। मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो। मिस कॉल मार के आपके पास एक SMS आएगा। उस SMS पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो, आपके WhatsApp के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म भर के भेज दो, आप रजिस्टर हो गए। ये नंबर है 7011311111, 5 बार 1। तो 7011311, फिर 5 बार 1। इसी नंबर पे या तो मिस कॉल कर सकते हो या हाय लिख के व्हाट्सएप कर दो, हाय, HI हाय व्हाट्सएप कर दो, आपके पास फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप पे ही भेज दो, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनके जिन्होंने अपने के नंबर जो होता है, जो बिजली का जो नंबर होता है, वो उसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, अपना रजिस्टर करवाया हुआ मोबाइल फ़ोन नंबर। इन सारे लोगों को हम अपनी तरफ से भी ये भेजेंगे कि भाई जो जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर करें। आपके फिजिकली फॉर्म देने से या रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन के अंदर आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा SMS से या ईमेल से कि भाई आप रजिस्टर हो गए हो और आपकी सब्सिडी लागू रहेगी। ये अब इस तरह से है, आज से आप ये सुविधा आप इलेक्ट्रॉनिकली आप करना चालू कर सकते हैं। इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल करके आपके पास फॉर्म आएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जितने लोग अप्लाई कर देंगे उनको 1 अक्टूबर से जारी रहेगी सब्सिडी। समझ गए?
31 अक्टूबर के बाद नवंबर में जो करेंगे, फिर उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको नवंबर के आगे की सब्सिडी मिलेगी। फिर दिसंबर में जो अप्लाई करेंगे उनको अक्टूबर और नवंबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको फिर दिसंबर से आगे की सब्सिडी मिलेगी। तो जिस महीने में वो अप्लाई करेंगे उस महीने से उनको सब्सिडी मिलेगी, अगले महीने में करेंगे तो उनको पिछले महीने का बिल भरना पड़ेगा, अगले महीने से सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए जनता तक किस बात को पहुंचाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन हम लोग लॉन्च करेंगे घर घर तक, ताकि ऐसा ना हो किसी को जानकारी ना मिले और वो रह जाए इसकी वजह से। और ये साल में एक बार किया करेंगे कि साल में एक बार हर आदमी को अप्लाई करके सब्सिडी मांगनी पड़ेगी। मान लो कोई कहता है कि अब मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, तो हर साल उसको एक मौका मिलेगा अपनी सब्सिडी विड्रॉ करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करेंगे, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो सब्सिडी गिव अप करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका, जो जो लोगों को सब्सिडी चाहिए वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। इस पर अगर कोई क्वेश्चन हैं तो बताइए। मेरे ख्याल से 3,000 करोड़ के करीब है टोटल सब्सिडी सारा मिला के, 3,000 करोड़ के करीब भी है सब मिला, सारी 3,000 करोड़ के करीब है। अब कितने लोग गिव अप करते हैं ये तो आपको पता चल जाएगा महीने भर बाद। सारा इंतजाम 1 करोड़ के आसपास लोग एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या दिल्ली में, नहीं 2 करोड़ की टोटल मैंने बताया 58 लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें से लगभग 40 लाख के करीब, 47 लाख के करीब अभी सब्सिडी को अवेल कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो अप्लाई करेंगे वो 47 से कम ही करेंगे। तो टेक्निकली हमने इस सिस्टम को रोबस्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रैश नहीं होना चाहिए। उनके पास वो भी कर सकते हैं, कैंप भी लगा सकते हैं। अभी काफ़ी जनता के घर तक पहुंचने के लिए कई सारे प्लान किए जा रहे हैं, तो जनता उसको किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकती है। सर एक खबर ये भी आ रही है, केवल डोमेस्टिक है। सर एक खबर ये भी आ रही है कि गोवा के अंदर जो है वो कांग्रेस की 8 विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये खबर भी गोवा से आ रही है। इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं, हम तो हमेशा से कहते रहे कि ये लोग जो हैं ऑपरेशन लोटस हर स्टेट के लिए चला रहे हैं, हर राज्य के अंदर जा जा के MLA खरीद रहे हैं। जाहिर तौर पे फ्री में तो MLA खरीद नहीं रहे, किसी को CBI ED का डर दिखाते हैं। और साथ में जैसे अभी हमें पता चला कल कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की 25-25 करोड़ रुपए में MLA खरीदने की। गोवा के अंदर कितने कितने में खरीदे हैं ये तो वहाँ के MLA ही बता सकते हैं, या वहाँ के लोग ही बता सकते हैं कि कितने कितने में खरीदे। ये अच्छी बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। पैसा आ कहाँ से रहा है? हजारों करोड़ रुपया MLA खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? जाहिर तौर के ऊपर ये सरकारी पैसा है जिसको साइफन ऑफ किया जा रहा है, और इसी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। तो हम लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि महाराष्ट्र में इन्होंने यही किया, मध्य प्रदेश में यही किया, गोवा में अब दोबारा ये किया है, कर्नाटक में यही किया, आसाम में यही किया, अरुणाचल प्रदेश में यही किया, दिल्ली में इन्होंने कोशिश की, या पंजाब में इन्होंने कोशिश की। ये अच्छी बात नहीं है। उनको नहीं अप्रोच किया गया। बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, मैं देखता हूँ। आप लोग भी सड़क पे जा के लोगों से पूछते हैं, सारी जनता कह रही है इस बार आम आदमी पार्टी को। ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब हमारे जो भी मतभेद रहे अग्निपथ को लेके, बट एक बार ही केंद्र सरकार ने लागू कर दी है, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो पंजाब का स्पेसिफिक क्या है इशू मैं एक बार ही पता करूंगा, बट हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, इसके स्कीम में भी सहयोग करेंगे, आर्मी का भी सहयोग करेंगे। इसको लेके आप लोगों की पार्टी की क्या रणनीति? ये अभी स्टडी कर रहे हैं, एक दो दिन दीजिए, एक दो दिन स्टडी करने के बाद ये पूरी की पूरी आप लोगों के भी सामने रखेंगे, और हम कमीशन के सामने भी इसको रखेंगे। ऐसा मैंने कल एक प्राइमा फेसी जब नज़र मारी तो ऐसी कई सारी विसंगतियां हैं उसमें, तो उन्होंने पब्लिक फीडबैक के लिए डाला है, तो उसको हम भी स्टडी कर रहे हैं, बताएंगे। अपोजिशन ये कह सकती है कि पहले आपने फ्री बिजली का स्कीम दिया, अब आप अपील कर रहे हो कि जो लोग
कैपेबल हैं वो पे करें। जो हमें तो जनता खुद ही कह रही है, हम तो सबको मौका दे रहे हैं। कई लोग हैं जैसे आप जैसे लोग हैं, वो कहते हैं जी हम तो पे कर सकते हैं तो हमें सब्सिडी क्यों दे रहे हो, तो आपको ऑप्शन तो मिलनी चाहिए। ज़बरदस्ती किसी को सब्सिडी क्यों दी जाए, तो हम वापस थोड़ी ले रहे हैं, हम तो एक ऑप्शन दे रहे हैं, जो लेना चाहे ले, जो नहीं लेना चाहे। मतलब आपने कहा गुजरात के रुझान बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आपकी जो विपक्ष है वो आप पर एक तस्वीर के जरिए निशाना साध रहा है, जिसमें आपको दिखाया गया कि ऑटो और चार्टर्ड प्लेन, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं विपक्ष लगा? ये सब कुछ लेके आएंगे, अभी तो चिंता मत करो, अभी तो 3 महीने हैं, तरह तरह की फोटो आएंगी, तरह तरह के वीडियो आएंगे, मुद्दे की बात करो उनसे। हम कहते हैं हम गुजरात की, दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी, पंजाब में बिजली फ्री कर दी, अब गुजरात के लोगों को भी मिलनी चाहिए फ्री बिजली, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने क्या कसूर किया? तो ये विरोध करते हैं, तो उनसे पूछो क्यों विरोध करते हैं, तो कहते हैं देखो केजरीवाल की ये फोटो। फिर मैं कहता हूँ कि हम आपके स्कूल अच्छे करेंगे, तो ये विरोध करते हैं, कहते हैं स्कूल अच्छे नहीं होने चाहिए गुजरात के, तो कहते हैं भाई स्कूल अच्छे हो जाने दो, क्या दिक्कत है, तो कहते हैं देखो केजरीवाल का ये वीडियो। ये यही करेंगे, अभी तो देखो क्या क्या होता है। गुजरात में कांग्रेस भी चुनाव में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या अंतर्कलह है कि उसके उम्मीदवार जीतते हैं फिर दूसरे दल में चले जाते हैं? ये तो पूरे देश में ही हो रहा है कि कांग्रेस अपने एमएलएस को बचा नहीं पा रही है। देखो दूसरी पार्टी जो है वो गलत कर रही है, एमएलएस को खरीद रही है, जनतंत्र के अंदर इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए देके कोई किसी को 50 करोड़ में खरीद रहे हैं, किसी को 25 करोड़ में खरीद रहे हैं, ये जनतंत्र के लिए हानिकारक है, ये गलत है। तो जो ये लोग ऑपरेशन लोटस के नाम पे सरकारें तोड़ रहे हैं ये गलत है, लेकिन गलती कांग्रेस की भी है। हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलएज को इन्होंने अप्रोच किया था, अभी 10 एमएलएज जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिन जिन को इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडा फोड़ देते हैं, हम इनसे हमारे लोगों को ये अप्रोच, कांग्रेस वाले क्यों टूटते हैं ये पूरा देश जानना चाहते हैं। एक पार्टी तोड़ रही है, मतलब एक तरह से बीजेपी ने तो ये कर दिया भाई वोट मिले ना मिले सरकार तो हमारी बनेगी, फिर तो चुनाव का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, जनतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता, इस तरह से अगर एमएलए खरीद खरीद के डरा के। चलो थैंक यू।